नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। G20 सम्मेलन से इतर भारत और अर्जेंटीना के बीच हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मोरिसियो माकरी ने आपसी संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। यूरोपियन यूनियन के नेताओं और जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात में आपसी सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर हुई बात। सेना की और बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के 2 युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें और सेना के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के लिए बख्तरबंद रिकवरी वाहन समेत 3,000 करोड़ रुपए की सैन्य खरीद को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में खरीद परिषद की बैठक में हुआ फैसला। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटना सबकी जिम्मेदारी। चंडीगढ़ में 13वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। लाभ के लिए कृषि को नई प्रौद्योगिकी के मुताबिक ढालने की बताई जरूरत। हरियाणा में जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकुला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन का आरोप। भुवनेश्वर में हो रहे विश्व कप हॉकी के ग्रुप डी के पहले मैच में नेदरलैंड्स ने मलेशिया को 7-0 से दी मात। ग्रुप डी के दूसरे मैच में जर्मनी और पाकिस्तान का मुकाबला जारी। रविवार को बेल्जियम के खिलाफ भारत का अगला पूल मुकाबला। और सबसे पहले बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन से इतर आज अर्जेंटीना के अलावा दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जॉन क्लॉड जंकर से मुलाकात की। इसमें यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नए मुकाम पर ले जाने पर चर्चा हुई। साथ ही हर तरह के आतंकवाद से निपटने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्यूनस आयर्स में मेजबान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मोरिसियो माकरी से मुलाकात की। राष्ट्रपति के आवास पर दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, अंतरिक्ष, रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा तेल, गैस और परमाणु ऊर्जा के मसले पर सहयोग को लेकर काफी अच्छी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तेजी से बदलती दुनिया में बहुपक्षवाद के महत्व पर चर्चा की। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के आपसी रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मोरिसियो माकरी ने 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत कई वैश्विक नेता शामिल हुए। इस साल के सम्मेलन का विषय
निष्पक्ष एवं सतत विकास के लिए आम राय बनाना है। और G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी सहयोग को और मजबूत और बेहतर बनाने समेत आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए 9 बिंदु का एजेंडा पेश किया। सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अपराधियों के संपत्तियों को फ्रीज करने और उनके सुलभ प्रत्यार्पण की बात कही। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से ऐसा तंत्र विकसित करने की बात कही जिसमें आर्थिक अपराधियों के सुरक्षित आश्रय पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की शर्तों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 मंच को आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने का काम शुरू करने पर विचार करना चाहिए ताकि उनसे बकाया कर की राशि वसूली की जा सके। उन्होंने एक तंत्र फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गठन की वकालत की जिसके तहत आर्थिक अपराध से जुड़ी जानकारियों का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। FATF एक ऐसा नियामक तंत्र बनाए जिसके तहत आर्थिक अपराधियों की एक परिभाषा हो। यह संस्था सर्वसम्मति से एक ऐसी कार्य प्रणाली विकसित करे जो आर्थिक अपराधियों की पहचान, उनके प्रत्यार्पण और उन पर कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित कर सके। भारत ने देशों के बीच सफल प्रत्यारोपण की कार्रवाई के बारे में अनुभव साझा करने की भी बात कही। G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत, अमेरिका और जापान के बीच पहली ऐतिहासिक त्रिपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वैश्विक और बहुपक्षीय हितों के बड़े मुद्दों पर चर्चा की। तीनों नेताओं ने संपर्क, सतत विकास, आतंकवाद निरोध, समुद्री और साइबर सुरक्षा जैसे वैश्विक और बहुपक्षीय हितों के सभी बड़े मुद्दों पर तीन देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। तीनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी मतभेदों के शांतिपूर्ण हल पर आधारित मुक्त, खुला, समग्र और नियम आधारित व्यवस्था की ओर आगे बढ़ने पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप और शिंजो आबे बहुपक्षीय सम्मेलनों में त्रिपक्षीय प्रारूप में बैठक करने के महत्व पर भी सहमत हुए। हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक महत्व के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा मूल्यों पर साथ मिलकर काम जारी रखने पर जोर देते हुए कहा कि जापान, अमेरिका और भारत की बैठक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित अमेरिका, जापान और भारत तीनों मिलकर के विश्व में शांति, समृद्धि और स्थिरता के संबंध में हम मिलकर के क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। तो जापान, अमेरिका, इंडिया, JAI, इसका भारत के अंदर मतलब होता है जय, जय का मतलब होता है सक्सेस। तो एक प्रकार से ये JAI ये सक्सेस का मैसेज लेकर के आज हम एक शुभ शुरुआत कर रहे हैं। Relationships between our three countries extremely, extremely good, extremely strong. I think with India maybe stronger than ever, and with Japan I think stronger than ever. We're doing very well together. We're doing a lot of trade together. We're doing a lot of defense together. A lot of military purchases. और G20 शिखर सम्मेलन से इतर कल भारत, रूस और चीन के बीच दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता हुई। 12 साल के बाद हुई ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। तीनों देशों ने महसूस किया कि उन्हें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मदद के लिए आगे आना होगा। इसके जरिए दूसरे देशों से संबंधों में सुधार आएगा। त्रिपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक आर्थिक प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, आपदा राहत और सहायता जैसे मामलों में मिलकर काम करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर काम होगा तो शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। मल्टीलेटरलिज्म को बनाए रखने, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के लिए काम करने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान
और कार्यान्वयन पर जोर देने की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। आरआईसे में हमें चार पहलुओं पर काम करना चाहिए, जो है क्षेत्रीय और ग्लोबल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पारस्परिक हित के विषयों में एक्सपीरियंस शेयरिंग और नए और उभरते चैलेंजेस के उपायों पर सहयोग। और मैं राष्ट्रपति पुतिन की इस बात से सहमत हूं कि हमने इंटरनेशनल फोरम के किसी भी मीटिंग में जब मिलते हैं तो हमारे इस फोरम का हमने मिलने का एक रेगुलर बना देना चाहिए, ताकि मैं समझता हूं कि अब समय की मांग है कि हम तीनों ने मिलकर के दुनिया के अंदर अपनी भूमिका भी अदा करनी चाहिए और हमारे दोनों तीनों के संबंधों के द्वारा विकास की परिपाटी को भी आगे बढ़ाना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन की वर्किंग सेशन में आज मेजबान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मोरिसियो माक्री ने वैश्विक समस्याओं को समाधान के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। सतत विकास और चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने सदस्य देशों के बीच लगातार डायलॉग पर जोर दिया। G20 सम्मेलन का आज समापन हो रहा है, जिसके आखिर में एक प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। I would like to invite us all to work together to take advantage of the mechanisms available to us today and to discuss what other mechanisms we may need in order to continue to offer coordinated responses. The way I see it, the solution, as we saw in our retreat, is dialogue and dialogue. That is the way of pushing the limits of the possible, on the understanding that each country will have its own preferences, values and interests, but we all do agree on something, that we want to foster sustainable development. And we assume the responsibility of chairing the G20, convinced that we need to make a contribution and that we can make a contribution to international cooperation, to multilateralism and to global governance. और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अमित शाह ने आज जोधपुर और बाड़मेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार दोबारा बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है। कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने देश पर राज किया और उसे उन चार पीढ़ियों का हिसाब देना चाहिए। राहुल बाबा भाषण कर रहे थे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अब भाषण देखते ही मुझे सबसे पहले देखा दिन है या रात है, तो ऐसी धूम धकती धूप थी भैया। स्वप्न देखने की किसी को मनाही नहीं है, मगर धूप में स्वप्न देखते हैं क्या? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई उखाड़ नहीं सकता। आप हमें पूछते हो कि हमने क्या किया राजस्थान के लिए, आप हमारा क्या हिसाब मांगते हो? राहुल जी, आपकी चार चार पीढ़ी ने देश पर शासन किया, आपने क्या करा इसका हिसाब दीजिए। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। राहुल गांधी ने राज्य के युवाओं और किसानों का मुद्दा उठाया और कहा केंद्र सरकार की नीतियों के कारण लाखों युवा बेरोजगार हैं। राजस्थान के हर युवा के दिल में ये बात है, मोदी जी की ओर देखते हैं, कहते हैं सूट बूट सरकार, कहते हैं किसानों की मदद नहीं, हमें रोजगार नहीं दिया, 15 लाख की बात की थी वो नहीं किया, तो भरोसा टूट गया है। युवाओं का, किसानों का नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा जी पर भरोसा टूट गया। मगर मैं आपको यह कह दूंगा कि जो भी
कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा। 24 घंटे में से 18 घंटे वो राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। मैं आपको ये भी कह दूंगा कि किसान का कर्जा माफ राजस्थान में होगा, चाहे कुछ और हो जाए, किसान का कर्जा माफ 100% होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद ईवीएम से छेड़छाड़ होने की आशंका को लेकर आज कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग को बताया कि कुछ अनाधिकृत लोगों की गतिविधियां स्ट्रांग रूम के पास देखी गई हैं, जिनके पास लैपटॉप और मोबाइल हैं, जबकि स्ट्रांग के पास इसकी इजाज़त नहीं है। कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने स्ट्रांग रूम को सुरक्षित करने की अपील चुनाव आयोग से की। स्ट्रांग रूम सुरक्षित रहे इसकी व्यवस्था के लिए हमने सुझाव दिए और चुनाव आयोग ने कहा कि इन पर विचार करेंगे। वहाँ पर देखा गया कि अनाधिकृत रूप से कुछ लोग अलग से स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द वहाँ सीसीटीवी कैमरा को ठीक करने के बहाने आते हैं, रहते हैं, घंटों लैपटॉप कंप्यूटर को लेके आते हैं, मोबाइल्स को लेके आते हैं, जिसकी परमिशन नहीं है। तो ऐसे जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व को समझने की नसीहत पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कांग्रेस और उनके अध्यक्ष सेक्युलर होने का दम भरते हैं, लेकिन अब 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए हिंदुत्व वाली छवि बनाने में जुटे हैं। सुषमा स्वराज ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हिंदू होने का मतलब हम राहुल गांधी से हमें समझने की जरूरत है। Most fascinating thing for me is that what is the essence of Hinduism? You please study Hinduism. What does the Gita say? That knowledge is with everybody. Knowledge is all around you. Knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is every, har jeev ke paas gyan hai. Aur hamare pradhanmantri kehte hain main Hindu hoon. Aur jo Hinduism ki neev hai, usko nahi samajhte. रिलीजियस कन्वर्जन होता है तो धर्म का धर्मांतरण तो हो सकता है, लेकिन जाति का अंतरण कभी नहीं होता। पर उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, बहुत अच्छी बात। तो अति उत्साही कांग्रेसी नेता ने कहा कि तेरे अकेले ब्राह्मण कहने से नहीं चलेगा, कहो जनेऊधारी ब्राह्मण है। तो बयान आया वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि जनेऊधारी ब्राह्मण के ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई है कि अब हिंदू होने का मतलब भी हमें उनसे समझना पड़ेगा। भगवान ना करे वो दिन कभी आए कि राहुल गांधी से हमें हिंदू होने का मतलब जानना पड़े। रक्षा मंत्रालय ने आज ब्रह्मोस और एआरवी समेत 3,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने को मंजूरी दे दी है। इससे भारत की सुरक्षा प्रणाली में इजाफा होगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इस सौदे को हरी झंडी दी गई। इसके तहत रूस में बनने वाले भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए स्वदेश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की स्वीकृति दी गई। ब्रह्मोस मिसाइल एक जांची परखी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इन जहाजों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हथियार होगी। इसके साथ ही सेना के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के लिए बख्तरबंद रिकवरी वाहन की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई है। एआरवी का डिजाइन और विकास डीआरडीओ ने किया है और इसका निर्माण रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी बीईएमएल करेगी। आज देश में सीमा सुरक्षा बल का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मौके पर दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में परेड की सलामी ली। इस दौरान किरण रिजिजू ने कहा कि बीएसएफ ने सीमा प्रबंधन में मानव संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए अनेक पहल किए हैं। उन्होंने कहा कि अग्रणी भूमिका निभाते हुए बीएसएफ के जवान
अंगदान, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा राहत प्रबंधन जैसे कामों को भी कुशलता से अंजाम दे रहे हैं। इससे न सिर्फ सीमावासियों में बल्कि देश में रह रहे हर नागरिक में बीएसएफ के प्रति विश्वास की भावना और मजबूत हुई है। किरेन रिजिजू ने कहा कि देश डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहा है और जरूरत के मुताबिक हर क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रहरी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों से सशस्त्र बल सप्ताह 2018 में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। ये सप्ताह आज से 7 दिसंबर तक मनाया जाएगा। एक वीडियो संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाता है और इस बार 70वां झंडा दिवस होगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस मौके पर लोगों से बढ़ चढ़ कर दान देने और सशस्त्र बलों के शहीद जवानों के परिवारों का साथ देने का आग्रह किया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बल के कर्मियों के कल्याण के लिए जनता से धन संग्रह करने और उनके प्रति योगदान देने का दिन है। ये दिवस 7 दिसंबर 1949 से हर साल मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज चंडीगढ़ में 13वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कृषि को समकालीन नई प्रौद्योगिकी के अनुरूप खुद को ढालना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार कृषि बाजारों को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव और मांग में बदलाव के खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय करने पर भी जोर दिया। साथ ही सतत निवेश और कारोबारी साझेदारी की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई। राष्ट्रपति ने कहा कि ये सभी चीजें मिलकर कृषि उत्पादों के लिए अच्छी कीमत के साथ उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाएंगी, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पराली जलाए जाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों ने समाज के व्यापक हित में आने वाली चुनौतियों और जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम फसलों के अवशेषों को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और इसका समाधान निकालना सबकी जिम्मेदारी बनती है। द फार्मर्स ऑफ दिस रीजन आर अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अवर कंट्री। प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैव नेवर साइड अवे फ्रॉम अ चैलेंज एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लार्जर सोसाइटी। टूडे वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम related to disposal of crop residue and of safe and clean removal of husk or stubble. In an extreme form, the burning of such item is leading to pollution that affects even little children. It is for all of us, including the state governments, the skilled and large-hearted farmers and other stakeholders to come up with a solution. And no doubt, Technology will help us find a solution. सीबीआई ने पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को अवैध तरीके से जमीन देने के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। पंचकूला में एक जमीन दोबारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को देने में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने शनिवार को विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, साथ ही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है। इन लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। मोतीलाल वोरा ने आरोपों को खारिज किया है। जो चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की है उसका जवाब हम बराबर देंगे। मामला न्यायालय में पेंडिंग है और मेरा मानना है कि अंततः
सत्य की जीत होगी। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में ये कहा है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 1982 में पंचकूला में जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। इसके बाद हरियाणा सरकार ने जमीन के टुकड़े को वापस अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2005 में उसी दर पर यह जमीन फिर से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दे दी। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भी थे। 2005 में हुड्डा साहब की सरकार आई तो जो प्लॉट रिज्यूम हो चुका था 1982 में जिसकी अलॉटमेंट हुई थी, 2005 में इसको अलॉट दोबारा से रीअलॉट करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें एलआर डिपार्टमेंट जो लीगल बताता है कि ये करने वाला काम है या नहीं करने वाला है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा से ये रीअलॉट कर दिया। और साथ में जो इसके पैसे लिए गए वो 1982 में जो प्राइस था उसी पर यह वापस अलॉट कर दिया। सीबीआई का आरोप है कि जमीन के टुकड़े को दोबारा आवंटित करने की वजह से राजकोष को 67 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा के राज्यपाल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत मिलने के बाद आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इस मामले में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के आरोप में हरियाणा विजिलेंस विभाग ने अप्रैल 2016 में मामला दर्ज किया था। बाद में इसकी जाँच सीबीआई को सौंप दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव में छठे दौर के चुनाव में करीब 77% वोटिंग हुई है। जम्मू डिवीजन में 84.6% वोट पड़े हैं, वहीं कश्मीर डिवीजन में 17.3% वोटिंग हुई है। छठे चरण के चुनाव में 111 सरपंच और 1048 वार्ड पंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। शेष बचे 406 सरपंचों और 2077 वार्ड पंचों के लिए 7156 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौदहवें हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स और मलेशिया के बीच मैच खेला गया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दुनिया की चौथे नंबर की टीम नीदरलैंड्स के सामने मलेशिया के खिलाड़ी बेबस नजर आए। नीदरलैंड्स ने मुकाबला आसानी से 7-0 से जीत लिया। जीत के हीरो रहे नीदरलैंड्स के स्ट्राइकर हर्ज़बर्गर ने 3 गोल दागे। 12वें मिनट में हर्ज़बर्गर ने फील्ड गोल कर नीदरलैंड्स को बढ़त दिला दी। खेल के 21वें मिनट में मिडफील्डर बिली बैकर के फील्ड गोल की बदौलत नीदरलैंड्स की बढ़त 2-0 हो गई। हर्ज़बर्गर ने 29वें मिनट में नीदरलैंड्स के लिए तीसरा गोल दागा। इसके बाद मिंक वॉन्डर वीडन ने 35वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। रॉबर्ट कैंपरमन ने 42वें मिनट में फील्ड गोल कर बढ़त को 5-0 कर दिया। थियरी ब्रिंकमैन ने पेनल्टी कॉर्नर पर 57वें मिनट में छठा गोल किया। हर्ज़बर्गर ने मैच के आखिरी मिनट में गोल करके नीदरलैंड्स के लिए जीत के अंतर को 7-0 कर दिया। नीदरलैंड्स की टीम 3 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है। और हॉकी विश्व कप में पूल डी के तहत दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और जर्मनी के बीच खेला गया। जर्मनी ने पाकिस्तान को 1-0 से हरा दिया। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल मार्को मिल्टक्यू ने 36वें मिनट पर किया। दोनों ही टीमों का इस विश्व कप में ये पहला मुकाबला था। पाकिस्तान की टीम अब तक सबसे ज्यादा 4 बार विश्व कप जीत चुकी है, तो वहीं जर्मनी 2 बार विश्व चैंपियन बना है। उधर मेजबान भारत कल बेल्जियम के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलेगा। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 5-0 से हराया था। पूल सी में भारत और बेल्जियम के अलावा दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की टीमें हैं। भारत अपना आखिरी लीग मैच कनाडा के खिलाफ 8 दिसंबर को खेलेगा। तो फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।